वो वैक्सीन मैंने लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग जैसे फ्रंटलाइन वॉरियर के तहत से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। पूरे पैंडेमिक सिचुएशन जब शुरू हुआ अभी तक बहुत ही खराब सिचुएशन भुवनेश्वर उड़ीसा में, बहुत जगह पे हमने रिपोर्टिंग किया, बहुत ही खराब सिचुएशन पर हमें ये लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, दूसरों के साथ। बहुत सारे ऐसे भी हमने रिपोर्टिंग किया, बहुत सारे लोग मर रहे थे या मेडिकल ऐसे जा रहे थे। लेकिन अभी तो ऐसे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो ये फ्रंटलाइन वॉरियर तो घोषणा की गई और उसके तहत हम सबको टीका मिल रहा है, मैंने भी लिया। आप भी जानते हैं हम लोग एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और जो कोविड केयर सेंटर, वहाँ पे जाके हम लोग सब रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत ही मुश्किल हालात है और डेंजरस सिचुएशन भी है, लेकिन उन पूरे हालातों को हमने पूरा ओवरकम किया और ये टीका लगने के बाद तो पूरा अभी सुरक्षित, मतलब सेफ्टी ऐसे फील हो रहा है कि नहीं ठीक है, अच्छा है, पूरा बिल्कुल अभी सेफ है। वी आर रियली थैंकफुल टू उड़ीसा गवर्नमेंट सो दैट दे प्रायोरिटाइज जर्नलिस्ट टू गेट वैक्सीनेटेड फर्स्ट, बिकॉज दे आर लाइक दे गो टू वेरियस वल्नरेबल प्लेसेस लाइक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंड कवर इवेंट स्विच, एंड दे मेक देमसेल्स वल्नरेबल एंड ऑल्सो एक्सपोज टू द वायरस बिकॉज दे कवर डे एंड नाइट एंड ब्रिंग द न्यूज टू द पीपल। So they should be vaccinated. If they get protected and vaccinated, then they will bring the news to the people in a better way.